इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की हिरासत और बढ़ने वाली है। आज एनआईए वाजे को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड बढ़ाने का अनुरोध करेगी। कल एनआईए ने वाजे के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही मुंबई एटीएफ से एनआईए ने मनसुख हिरेन मर्डर केस से जुड़े हुए दो आरोपियों की भी कस्टडी ली है। सचिन वाजे के साथ इन दोनों आरोपियों को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर से कैदी बने सचिन वाजे की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। एनआईए ने वाजे पर अब ऐसा केस लगाया है कि उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एनआईए ने सचिन वाजे पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया है। इन धाराओं को आतंकवाद से जुड़े मामलों में लगाया जाता है। वाजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो वाजे अभी भी कई गंभीर खुलासे कर सकता है। एनआईए ने वाजे की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले ये धाराएं लगाई हैं। इस बीच अदालत ने मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच मुंबई एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी है, जिसके बाद एटीएस से एनआईए ने इस मामले से जुड़े दो अपराधियों की कस्टडी ली है। इसमें निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गौड़ शामिल हैं। सचिन वाजे के साथ एनआईए आज विनायक शिंदे और नरेश गौड़ को कोर्ट में पेश करेगी। इसे कस्टडी लेने के बाद एनआईए की टीम विनायक शिंदे और नरेश बुकी को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर मुंबई पहुंची है। रसाकसी थी एनआईए और एटीएस के बीच में कि केस जो है वो कौन जांच करेगा। केंद्र सरकार ने एनआईए को ये केस नोटिफाई कर दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार जो थी वो केस ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी और ये बोन ऑफ कंटेंशन था, यही वजह थी कि एनआईए जो है वो कोर्ट गई। इस बीच मुंबई पुलिस के कंट्रोवर्शियल ऑफिसर सचिन वाजे पर नया खुलासा हुआ है। ट्राइडेंट होटल में वाजे के लिए 100 दिनों के लिए कमरा बुक कराया गया था। वाजे 19वें फ्लोर के रूम नंबर 1964 में ठहरा था। जावेरी बाजार के ज्वेलरी कारोबारी ने रूम बुक कराया। कंजूर मार्ग थाने में कारोबारी पर एक केस दर्ज था। केस का हवाला देकर वाजे ने कारोबारी से संपर्क किया। वाजे ने कारोबारी से केस संभाल लेने का वादा किया और बदले में 5-स्टार होटल में इंतजाम करने को कहा। सचिन वाजे को 3 होटल के विकल्प दिए गए, होटल ताज, ट्राइडेंट और होटल ओबरॉय का विकल्प दिया गया, लेकिन उसने होटल ट्राइडेंट को चुना। इसके लिए कारोबारी ने 25 लाख रुपए चुकाए। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे कई बार ट्राइडेंट होटल में रुका करता था और वहीं पर वो कई लोगों से मिला करता था और साथ में जब वहां पहुंचता था तो उसके हाथ में बैग्स हुआ करते थे, नोट गिनने की मशीन हुआ करती थी और सीसीटीवी के फुटेज में एक महिला भी दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस होटल की बुकिंग किसने की, क्यों की, कितने पैसे में की। जांच में सामने आया कि महेश छाजड़ नाम के एक व्यवसायी ने इस होटल की बुकिंग की और सुशांत खामकर जो फर्जी आधार कार्ड के नाम पर ये बुकिंग की गई थी, जिस आधार कार्ड को वहाँ पे जमा करके सचिन वाजे रह रहा था उसी नाम पर ये बुकिंग की गई थी। अब तक की जांच से सचिन वाजे की भूमिका बेहद संदिग्ध दिखी है। एनआईए को उम्मीद है कि सचिन वाजे पूछताछ में अभी और कई अहम खुलासे कर सकता है। यही वजह है कि एनआईए सचिन वाजे की हिरासत अपने पास रखना चाहती है। राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।